एवरीवन, मीनू कुमावत किचन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्मोकी बैंगन साल्सा। जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक डिश है और बहुत ही इजी। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है, देखिए ये सारी सामग्री है जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होगी। ये हमने एक भरते वाला बैंगन लिया है जिसको हमने गैस पे सेक के रखा है। आप चाहे तो इसे ओवन में भी सेक सकते हैं। ये एक छोटी कटोरी चने हैं जो हमने उबाल के रखे हैं। ये ताहिनी है 3 से 4 चम्मच। ताहिनी मैंने आपको बनाना बताया था अपने पिछले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो ना मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाला है। ये 10 से 15 कलियां लहसुन की हैं जिनको मैंने तवे पे सेक लिया है। कम से कम 4 से 5 मिनट लेंगे, आपको धीमी आँच पर ही इनको सेकना है। ये एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है हमने, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, और हमने थोड़ा सा पार्सले लिया है। आप पार्सले की जगह हरा धनिया भी यूज में ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हमने ऑलिव ऑयल ली है, एक नींबू का रस निकाल के रखा है हमने, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है, नमक स्वाद अनुसार। ये हमने बैंगन पहले से ही सेक के रखा था। आप इसे ठंडा होने दें, गर्म को ही ना यूज में लें। ये ठंडा हो चुका है अभी। अब हम इसको बीच में से 2 टुकड़े करेंगे इस तरह से। ये देखिए बैंगन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए अब हम चम्मच की सहायता से इस पल्प को अलग कर देंगे। बैंगन का छिलका निकाल के भी हम पल्प कर सकते हैं अलग, पर ये क्या है, इजी तरीका है। बैंगन का छिलका निकालने में मेहनत भी बहुत लगती है और टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। ये देखिए हमने सारा पल्प बैंगन से अलग कर लिया है। अब हम इस पल्प को और लहसुन है, इन सबको हम मिक्सी में डाल के पहले पीस लेंगे। सबसे पहले हम ये चने डालेंगे मिक्सी के अंदर, उसके बाद ये बैंगन का पल्प और लहसुन। अब इनको हम पीस लेते हैं। ये हमारा पेस्ट पीस चुका है, इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। मिक्सी में से हम अपने इस मिक्सर को निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने पूरा मिक्सर इसमें निकाल लिया है। अब हम इसमें जो हमारी ताहिनी थी वो हम मिक्स करेंगे। ये ताहिनी भी डाल दी हमने इसके अंदर, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक। पहले हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और पार्सले ये सभी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऑयल नहीं खाना चाहें तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। ये हम सर्विंग बाउल में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। आपकी ये लीजिए, ये रेसिपी आपकी तैयार है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिए, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। हाँ, अगर कोई बैंगन नहीं खाता है तो आप इस तरह से खिला के जरूर देखिए, यकीन मानिए उनको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।